हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी, सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। अम्मा जी, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, पैर पड़ती हूँ आपके, मेरे बाल मत कटवाइए। बैठ, चलो उठ, बैठ यहाँ। गुंडप्पा, तुम यहाँ नौटंकी देखने आए हो? नहीं माँ जी। या काम करने, चलो काटो इसके बाल, जल्दी आओ। जी माँ जी। पिताजी, आपकी बेटी विधवा हो गई। पिताजी, आपकी बेटी विधवा हो गई। काका जी, आरती शुरू कीजिए ना। जी बाजी, इसके घने लंबे बाल काट दो। बैठ। नहीं, चल ननन जी, पिताजी की बच्ची, चल ननन जी, चल निकल यहाँ ननन जी, चल। सुकन्या बेटी, वो मालिक कभी भी अपनी संतान को बेबस, लाचार देखना नहीं चाहता। अगर उसके लिए दुनिया के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, तो एक नया दरवाजा खोलकर इंसान को आशा की नई किरण दिखा देता है। सुकन्या, ओ सुकन्या, कहाँ है तू? जी माँ जी। चल बैठ चुपचाप यहाँ पे। क्यों माँ जी? मैं करूंगी, तुम नहीं। मैं जो कहूंगी वही तुमको करना पड़ेगा। बैठ यहाँ पर, बैठ। गुंडप्पा। जी माँ जी। इसके घने लंबे बाल काट दो। बिल्कुल गंजा कर दो इसे। एक भी बाल इसके सर पर दिखाई नहीं पड़ना चाहिए। नहीं माँ जी, मैं बाल नहीं काटने दूंगी। तू कौन होती है मुझे रोकने वाली? चल बैठ चुपचाप। छोड़िए मुझे, मैं बाल नहीं कटाऊंगी। काटने ही पड़ेंगे, यही प्रथा है। चल बैठ यहाँ पे। अम्मा जी, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, पैर पड़ती हूँ आपके, मेरे बाल मत कटवाइए। बैठ, चलो उठ, बैठ यहाँ। गुंडप्पा, तुम यहाँ नौटंकी देखने आए हो? नहीं माँ जी। या काम करने, चलो काटो इसके बाल, जल्दी आओ। जी माँ जी। आप कहिए ना माँ जी को, मेरे बाल ना कटवाएं, मेरे बाल ना कटवाएं। आप कुछ नहीं बोलेंगे। फिर भी इस मनहूस की तरफ किसी का ध्यान ना जाए, इसीलिए इसे बदसूरत बनाना जरूरी है। मैं घर के बाहर ही नहीं निकलूंगी। तेरी जगह अब इस घर में नहीं है, मैं तुझे विधवा आश्रम भेजूंगी। नहीं माँ जी। चल पिताजी। चल ननन जी। पिताजी की बच्ची, चल यहाँ से। ननन जी, चल। चल निकल यहाँ से। नहीं, छोड़, छोड़, छोड़ मुझे। चल बाहर, छोड़ मुझे। मन से तो आवाज उठती है कि तुम्हें निर्दयी कहूँ, जालिम कहूँ, लेकिन जबान ये नहीं बोलेगी, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम कृपालु हो, दयालु हो, ममता से भरे हुए हो तुम। पर ऐसी लीला तुम क्यों करते हो मालिक? जन्म जन्म के रिश्ते तुम ही तय करते हो, फिर जन्म जन्म के साथियों को एक दूसरे से अलग क्यों करते हो? एक दूसरे से अभी ठीक तरह से पहचान भी नहीं हुई कि तुम एक साथी को दूसरे साथी से दूर कर देते हो। ये बिछड़वा क्यों देते हो? ये तुम्हारा कैसा खेल है मालिक?
इंसान को जवानी देते हो ताकि वो इंसान दुनिया का हर सुख भोग सके। तो फिर जवानी में ही तू इंसान को मौत के हवाले क्यों कर देते हो मालिक? क्या तुम इंसान का कर्म बंधन ढीला नहीं कर सकते? कुछ समय तक उसे कर्म बंधन से आजाद नहीं कर सकते? इंसान अपने पूर्व जन्मों के कर्मों से अनजान होता है, इसलिए इस जन्म में जब वो अपनी बदनसीबी को कोसते हुए रोता है, आक्रोश करता है, तब वो आक्रोश सुनकर उसका दर्द महसूस करके मैं खुद घायल हो जाता हूं। तुम तो करुणा करो, इंसान को करुणा दो मालिक, इंसान को करुणा दो। उसके अपराधों को क्षमा दो, क्षमा कर दो मालिक, क्षमा कर दो। सबका मालिक। काका जी, आरती शुरू कीजिए ना। काका जी, कहाँ खो गए आप? जिस तरह अस्थियों का विसर्जन कराए, उसी तरह इस मनहूस का भी विसर्जन कर दीजिए। काका जी, क्या बात है, आज आरती क्यों नहीं कर रहे हैं आप? आरती ना हुई तो हम सब पर देवी माँ का कोप होगा। मुझ पर तो महाकोप हुआ है। जय दुर्गा, जय दुर्गा।
मां, मां, क्षमा कर दो मां। जी बाजी, इसके घने लंबे बाल काट दो। बैठ। नहीं, चल ननन जी, ताजी की बच्ची, चल जी, चल निकल यहाँ से। जी चल। सुकन्या बेटी, क्या हुआ, अब चिल्लाए क्यों? आप हमें सोने देंगे या नहीं? बंद कीजिए ये रोना धोना। पता नहीं हमारी बेटी कैसी होगी। उसकी सास अपने बेटे की मौत के बाद बिल्कुल बदल गई है। सुकन्या को मनहूस कह रही थी वो। मेरी ही गलती है, मैं क्यों छोड़ आया उसे वहां? अपने साथ लेकर आना चाहिए था उसे। पिताजी, अब मुझे क्या करना होगा? तुम्हें अब अपनी दीदी की रक्षा करनी होगी। वो मालिक कभी भी अपनी संतान को बेबस, लाचार देखना नहीं चाहता। अगर उसके लिए दुनिया के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तो एक नया दरवाजा खोलकर इंसान को आशा की नई किरण दिखा देता है। जब इंसान नाउम्मीद होता है तब वो अपने खेल से उसके दिल में नई उम्मीद जगा देता है। जब इंसान को लगता है कि उसका कोई नहीं है तब मालिक इंसान को जगाता है कि इंसान अकेला नहीं है, मालिक उसके साथ है। वो अपाहिजों की लाठी बन जाता है, बेसहारों का सहारा बन जाता है, अंधों की आंखें बन जाता है और निर्धनों के लिए लक्ष्मी बन जाता है। द्रौपदी के लिए श्री कृष्ण बनता है, प्रहलाद के लिए नरसिंह हो जाता है, उसकी लीला अगाध है। मालिक नारियल की तरह है, बाहर से कठोर अंदर से कोमल। जब उसका कोई भक्त संकट में होता है तब वो अलग अलग रूपों में उसकी सहायता करने पहुंच जाता है। कभी वो पति बनकर, कभी पिता, कभी मित्र, तो कभी माता, कभी साईं, तो कभी भैया। माँ जी नमस्ते। तुम कौन हो बेटे? आपने मुझे पहचाना नहीं माँ जी? नहीं। मैंने पहचान लिया, तुम गोपी हो ना? माँ, ये सुकन्या भाभी का छोटा भाई गोपी है। मैं दीदी से मिलने आया हूँ। कहाँ है मेरी दीदी? तुम अकेले आए हो? हाँ, मैं ना पिताजी को बता कर आया हूँ न माँ को। कहाँ है दीदी? दीदी, दीदी, अशोक, इसे मेरी नजरों के सामने से तुरंत दूर करो। मैं नहीं जाऊंगा, मैं दीदी की रक्षा करने आया हूँ, दीदी को अपने साथ घर ले जाने आया हूँ। दीदी हर रक्षाबंधन पे मुझे राखी बांधती है, मैं दीदी को लेकर ही जाऊंगा, मुझे राखी की कसम। अशोक, इसे इसके घर भेज दो।
और काका जी वैद्य को खबर कर दो कि उनकी मनहूस बेटी को हमने विधवा आश्रम भेज दिया है। विधवा आश्रम क्यों? उसका ससुराल होते हुए, उसका मायका होते हुए आपने उसे विधवा आश्रम भेज दिया? मेरी दीदी तो सबको खुशियाँ बांटती है, सबका भला चाहती है, किसी का बुरा सोचती तक नहीं, और आपने उसे घर से दूर विधवा आश्रम भेज दिया? क्या आपने उसे अनाथ समझा? आप अच्छी औरत नहीं है माँ जी, आप दुष्ट हैं। अगर आपकी इस बेटी के साथ वही होता जो मेरी दीदी के साथ हुआ, तो क्या आप इसे भी विधवा आश्रम छोड़ाती? बदतमीज, बहुत जुबान चलती है तेरी। मनहूस बहन का मनहूस भाई, मेरी बेटी के बारे में ऐसा बोलने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? माँ, गोपी ने कुछ गलत नहीं कहा है। नैना, तू पीछे हट जा। एक अच्छा भाई है गोपी, वो अपनी बहन को तसल्ली देने आया है, वो उसे अपने साथ ले जाना चाहता है। गोपी, तुम्हारे जैसा भाई अगर हर बहन को मिले तो दुनिया में कोई भी बहन कभी दुखी नहीं होगी। तुम्हें इससे हमदर्दी दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। गलती हमारी है माँ, भाभी की नहीं। भाभी मनहूस नहीं है, हम सब मनहूस हैं उनके लिए। तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है। माँ, भैया और भाभी की शादी से पहले भैया को तकलीफ हुई थी, लेकिन हमने उनका इलाज नहीं करवाया, किसी वैद्य, किसी डॉक्टर, किसी हकीम को नहीं दिखाया उन्हें। भैया के मर जाने के बाद हमने भाभी को मनहूस मान लिया। माँ, अपराधी हम हैं और सजा हम निरपराध भाभी को दे रहे हैं। माँ, पिताजी, मैं गोपी को लेकर आश्रम में जा रही हूँ, मुझे कुछ पैसे चाहिए, मैं वहीं से गोपी और भाभी को टांगे में बिठाकर घर भेज दूंगी। हाँ।